नियोजित शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। सक्षमता परीक्षा देकर चले थे बिहार सरकार के कर्मचारी बनने, लेकिन फंस गए बखेड़ा में। क्या है इनका बखेड़ा? आइए हम अपने सहयोगी आशुतोष मिश्रा से जानते हैं। आशुतोष जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। सक्षमता परीक्षा देकर ये लोग राजकर्मी बनना चाह रहे थे और इसी के तहत उन्होंने परीक्षा भी दी। 6 मार्च को परीक्षा खत्म भी हो गई, लेकिन इनमें से कई नियोजित शिक्षक बखेड़ा में पड़ गए हैं, फेरा में पड़ गए हैं, पेंच फंस गया इन पर। एक्चुअली परीक्षा के दौरान जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उस दौरान धांधली पकड़ में आई है और ऐसे 860 नियोजित शिक्षक शक के घेरे में आ गए हैं। इन पर एक ही सर्टिफिकेट पर दो या तीन इन लोगों में से नौकरी कर रहे हैं। अब शिक्षा विभाग की ओर से सभी को 21 मार्च तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहा गया है और इन पर कानूनी कार्रवाई भी संभव है। एक्चुअली सक्षमता परीक्षा के दौरान आवेदन करते समय नियोजित शिक्षकों को अपना एसटीईटी, बीटीईटी, सीटीईटी का सर्टिफिकेट अपलोड करना अनिवार्य था। विभाग ने सर्टिफिकेट की जब जांच कराई, इसमें पता चला कि एसटीईटी, बीटीईटी, सीटीईटी सर्टिफिकेट पर एक से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं। अब ऐसे में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 860 शिक्षकों को अपने पूरे डॉक्यूमेंट के साथ समिति के कार्यालय में पहुंचकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए निर्देश जारी किया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो भी बेहद गोपनीय ढंग से की जा रही है और 7 मार्च से ये प्रक्रिया शुरू हो गई है जो 21 मार्च तक चलेगी। कहा जा रहा है कि 23 मार्च को परीक्षा का परिणाम भी आ जाएगा। अब राजकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों के लिए विभाग ने सक्षमता परीक्षा अनिवार्य कर दिया था। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जो आई थी दिसंबर महीने में 2023 में, उस पर कैबिनेट की मुहर लगी थी। तो नियोजित शिक्षक ने राजकर्मी बनने के लिए सक्षमता परीक्षा का आवेदन दिया। इसी दौरान जब सर्टिफिकेट अपलोड करना था तो कई संदेह के घेरे में पाए गए और कई शिक्षक इनमें से हैं जो वर्षों से प्रदेश में नौकरी कर रहे हैं और शैक्षणिक कार्य में लगे हुए हैं। अब बोर्ड को गोपनीय जानकारी मिली, उसी के बाद अब कहा जा रहा है कि जांच के दौरान अगर शिक्षकों का सर्टिफिकेट फर्जी पाया जाता है तो इनकी नौकरी तो जाएगी ही, इसके साथ ही इन पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, यानी ये लोग जेल भी जा सकते हैं। ऐसी बातें सामने आ रही है। हालांकि ये शिक्षक कौन है ये सब कुछ मतलब डाटा आ चुका है, लेकिन इसको फिलहाल हम गोपनीय रखना चाहते हैं क्योंकि अभी तक शक के घेरे में है, संदेह के घेरे में है। जब तक क्लियरिटी नहीं आती है तब तक निजता के अधिकार का सम्मान करना चाहिए और इनका नाम प्रकाशित नहीं करना चाहिए। ये अब सक्षमता परीक्षा में कैसे मेधा का निर्धारण होना है, तो जो सक्षमता परीक्षा में जिन शिक्षकों को बेहतर अंक मिलेगा उन्हें मनपसंद जिला आवंटित किया जाएगा और जिन्हें कम अंक प्राप्त होगा उन्हें रैंडमली तरीके से जिला और स्कूल का आवंटन किया जाएगा। और नियोजित शिक्षकों से इसी के लिए 3 जिलों का विकल्प मांगा गया है। हालांकि शिक्षक संगठन लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें ऐच्छिक स्थानांतरण ही चाहिए, खासतौर पर महिला और दिव्यांग के लिए तो पहले से ही तय है लेकिन अब तक नहीं मिला है। तो अब बिहार बोर्ड की ओर से ये कहा गया है कि सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का 3 बार थंब इम्प्रेशन और बायोमेट्रिक मिलान किया जाना है। इनकी जांच अब उनके अपने अपने जिलों में की जाएगी। बिहार बोर्ड ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर इसका निर्देश भी दिया गया है अनुपालन करने के लिए। साथ ही चयनित एजेंसी के माध्यम से सभी जिलों में दो दो मशीन ऑपरेटर सहित 2 महीने के लिए बुधवार को कार्यालय को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। अब कितने नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा के लिए फॉर्म किया है तो उसकी संख्या है 2,32,000। 26 फरवरी से परीक्षा आयोजित थी, 26 मार्च तक परीक्षा ली गई है। हालांकि अब तक लगातार शिक्षक संगठन बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं और इस परीक्षा का कई शिक्षक संगठनों ने विरोध भी किया है। बावजूद इसके 2,32,000 शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरा है। हालांकि नियोजित शिक्षकों की जो संख्या है वो 3.5 लाख से ऊपर है और माना ये जा रहा है, कहा ये जा रहा है विभाग की तरफ से कि बाकी शिक्षक दूसरे राउंड की परीक्षा जो होगी उसमें फॉर्म भरेंगे, लेकिन कई शिक्षक संगठन ये भी इंतजार में है कि हाईकोर्ट का डिसीजन भी आने वाला है। 13 तारीख को भी एक जो केस हुआ उस मामले में सुनवाई होने वाली है,
और 15 को भी डिसीजन आने वाला है, तो उस पर भी निगाहें टिकी हुई है। फिलहाल सक्षमता परीक्षा देकर सही कहा आपने कि वो लोग राजकर्मी बनने चले थे, सरकारी कर्मचारी बनना चाह रहे थे, लेकिन इस दौरान जो गड़बड़ शिक्षक थे, नियोजित शिक्षक, उनकी पोल भी खुल गई है और संदेह की घेरे में फिलहाल है 860 नियोजित शिक्षक। अब देखना है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जांच होती है, तो उसमें क्या सच्चाई निकलकर सामने आती है। पाठक जी, जी तो इसका सीधा सा मतलब है कि चले थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, कुछ नियोजित शिक्षकों पर यह अक्षरशः लागू बिल्कुल होती है। बिल्कुल, सारे नियोजित शिक्षकों पर नहीं, कुछ नियोजित शिक्षक जो गलत तरीके से नौकरी करते आ रहे हैं, उनकी पोल जरूर खुल गई है। बहुत धन्यवाद।